रोमागनी सा, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए न्यू ब्लॉग के साथ में। और हम जा रहे हैं गांव सब जने, और जो भी घर की पिक्चर थी वो मैं लेने का भी जल्द जल्द पहुँचने वाले अपने घर पे। हम जल्दी रवाना हो गए थे, तो 10-10:30 बजे के समथिंग हम पहुँच गए थे घर पे। देखो गाँव की तबाही जो और होती है, कितनी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं। और ये है हमारा गाँव का घर जहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे बहुत ही गंदा हो रखा था, जो देख रहे हो आप, देखो इतना गंदा हो रहा था। मोबाइल खोल देती लॉक और मैं उसको दिखा देती थी। और यहाँ पे बहुत सारी चिपकली हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है हमारे को। बहुत ही चिपकली हैं, दीमक भी लग गई है इतनी भयंकर वाली। तो हम लग गए थे फटाफट कपड़े चेंज करके, मतलब मैंने तो ओढ़नी चेंज की थी झाड़ू पे। बहुत ही गंदा हो रखा था घर, दीमक लगी हुई थी चारों तरफ। और फिर हम खाना वाना खा के फिर हम लग गए थे वापस। जब तक हमारे पानी वानी नहीं आया था, टंकी में पानी आता है जब लाइट आती है, तब पानी आता है यहाँ पे। ये हो रही है हमारे घर की सफाई, और उसी पर पानी नहीं आ रहा था, अब पानी आ रहा है। मैं पानी ला रही थी, धो रही थी अच्छे से, अब अंदर रहने का मन करता। और ये शिवपुरानी हमारी, ये हमारी प्रिंसेस ले रही थी मजे नहाने के। बड़े मज़े आ रहे थे, उठ नहीं रही थी टब में से कि मेरे को उठना ही नहीं है, बस नहाए जाना है। बहुत ही मज़े लिए, जैसे पानी आज ही देखा है। और भी बहुत सारा पानी, वो टैंकर वैंकर की दिक्कत नहीं रहती, आराम से ट्यूबवेल में से आता रहता पानी जब भी लाइट आती है। तो ये हमारा पूरा घर दिखाते हैं आपको। हम हो गए थे रेडी साफ़ सफाई करके, और ये हमारा गेस्ट रूम अभी तो ऐसे ही है, मतलब यहाँ रहते नहीं है तो ऐसे ही कर रखा है। और जो सोफ़ा थी वो मम्मी जी के शादी की थी। और ये हमारी किचन, मैं 2 साल तक यहाँ रही थी। ऐसे गांव, मतलब पूरा गांव नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वो गांव नहीं था, मतलब ढाणी टाइप एक जैसे कुएँ पे होते हैं ना, उन पे रहते ना, वैसे हम रहते थे। और जो गाँव है हमारा वो कालाडेरा है, वो जो हमारा है आग थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर होता है हमारे खेत में। हम खेत में रहते हैं, गांव जाता है 1-2 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसे है कि जिनके जिनके जो खेत है वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह रखे हैं सबने, और वहाँ पे अच्छा शानदार घर बना रखे हैं, और वहीं पे रहते हैं, भैंस वैंस रखते हैं, हाँ खेती करते हैं। मतलब राजपूत तो कम ही है, हम हीटर वीटर रख देते। यहाँ पे मैंने सेकंड गंगूर पूजी थी। यहाँ आसपास में ज़्यादा लोग नहीं, ये हमारा खेत, पूरा खेत का व्यू बहुत अच्छा लगता था, हरियाली हरियाली। ये हमारा टंकी जैसे पानी आता है, ये आगे का व्यू हमारा घर। और हम थोड़ी सी रील बना रहे थे, अच्छा लग रहा था यहाँ पे बहुत ही। वो हमारी ट्यूबवेल है जो बंद हो गई है, अब कोई रहता ही नहीं, इतना पानी भी नहीं आता पहले जितना। पहले तो ऐसा था कि मेरे दादी और ससुर जी के ज़माने में ऐसा था कि अगर थोड़ा सा भी मिट्टी को थोड़ा सा हटा लो ना तो ही पानी आ जाता था। अब इतना पानी नहीं है हमारी टंकी जिससे हमारे पानी आता था, ये वो वाली, वो हमारी पुरानी टंकी जिससे अभी भी पानी आता है, और जो हमारी जो टंकी है नई वाली उससे पानी अब नहीं है। साफ़ सफाई करके सारा काम करके अब हो रहे थे हम रवाना घर के लिए। लोक वोक लगा दिया था, देखो थोड़ा मतलब अच्छा हो गया था घर। अब हो रहे थे हम रवाना वापस, ऐसे लग रहा था कि 2-3 दिन रुके घर पे, अच्छा लगता है ऐसे, बिल्कुल शांति रहती है। आराम से रहो, नहीं जाने की होगी तैयारी। फिर मैंने कहा यहाँ पे हमारे बालाजी हैं, उनके धोख देने चले गए थे हम लोग। चलो बालाजी के धोख दे आते हैं, आए हुए हैं सीधे, तो धोख दे के चलते हैं। चलो
लेते हम वापस करके लिए रवाना है। हमारी शिबू रानी मस्ती कर रही थी, बहुत ही परेशान करती, इसको नींद भी आ रही थी लेकिन इसको सोना नहीं था। फिर लास्ट में जाके सोई थी। ये काना की पुराना वो खिलौना था वो लेके आई है, बहुत सारे खिलौने पड़े हुए लेकिन बच्चों के होते हैं ना ये। और ये हमारा खेत, वापस हम जा रहे हैं, वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। ग्रीन ग्रीन थोड़ा अच्छा लगता है, और जबकि अब तो कटाई वटाई हो गए नहीं तो पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है घर खेत में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। करते हैं इस ब्लॉग का एंड, टेक केयर, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गणिक हमासा।